वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा ले, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आज बात करते हैं कोर्ट में गवाही देने से पहले कसम क्यों खिलाई जाती है। आपको जिस प्रकार किसी भी नए काम या किसी भी व्यक्ति को सच्चाई बताने से पहले कसम खाई जाती है कि मैं मेरे इसकी कसम खाता हूं, मैं इष्ट की कसम खाता हूं, मैं जो भी कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, ये गलत नहीं कह रही, सारी चीजें आपको। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से जो व्यक्ति कसम खा जाता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर इस प्रकार की कसम खाने के बाद भी अगर लोग झूठ बोलते उसका क्या असर पड़ता है, क्या सजा होती है कोर्ट में। दोस्तों आप कभी अगर किसी भी केस में एविडेंस पे गए हो तो आप उस एविडेंस कभी दी हो तो उसके पहले आपको कोर्ट में गवाह देने से पहले कसम खिलाई जाती है कि जो कहूंगा वो सही कहूंगा, जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा, ये सारी कसम वह दिलाई जाती है। दोस्तों इसी प्रकार ऑन हो शपथ, जब कोर्ट में आप किसी भी केस में गवाही हो देते हो तो वहां आपको शपथ दिलाई जाती है गीता पे हाथ पे रख के, या मैं जो कहूंगा वो सही कहूंगा, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, ये कसम आपको कोर्ट में दिलाई जाती है। अगर उसके बावजूद आपको ये पता है कि मैं कसम खाने के बावजूद भी झूठा साक्ष्य दे रहा हूं तो आपको उसकी पनिशमेंट होगी, सजा होगी। इसलिए मित्रों इसी प्रकार कभी आप शपथ पत्र तस्दीक कराते हो उसमें सारी चीजें लिखने के बाद जो भी चीजें आपने लिख दी अगर उसके बाद में आप मना करते हो कि मैंने ये चीजें नहीं लिखी, क्योंकि उसमें आप शपथ पत्र में नोटरी से रजिस्टर होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये चीजें नहीं की। इसलिए जिस प्रकार शपथ पत्र देते हो उसी प्रकार कोर्ट में आप जज के सामने मजिस्ट्रेट के सामने शपथ दिलाई जाती कि मैं जो इस केस में जो कहूंगा वो सही कहूंगा, लेकिन बहुत सारे गवाह पैसे के लालच में आकर बिक जाते हैं और झूठ कोर्ट में झूठ बोलते। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार के झूठी गवाही देने के चक्कर में आपको भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको भी पनिशमेंट मिल सकती है, सजा मिल सकती है। आईपीसी की सेक्शन 193 में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी साक्ष्य देने पर उसको 7 साल की सजा प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति के केस में अगर गवाही देना चाहते हो तो आप वहां जो कसम दिलाई जाती है उसके विपरीत आपको नहीं बोलना चाहिए और सही और सत्य बोलना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आपके अगर समझ में आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ और जानकारी चाहते हो तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई भी केस में अगर आप एविडेंस देना चाहते हो या आपको एविडेंस हो तो उस केस में आप कभी भी शपथ दिलाने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको आईपीसी की सेक्शन 193 में आपको 7 साल की सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।